सब चर्च किसके उस खुदा के, बोलो जब चुके हैं सब परमेश्वर के। पर जब किसी बात से मन खराब करते हैं, बोलो क्या करते हैं, जब किसी बात से मन खराब करते हैं, जब किसी का मन खराब होता है तो खराब मन लेकर हम कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि काम खुदा नहीं कर रहे तो होगा नहीं। फिर मौका किसको मिलता है? शैतान। सेल कितनी रह गई थी? 70,000। चाहिए कितनी है? बॉडी में डॉक्टर ने बोला था कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होने चाहिए। 1.5 से 4.5 चाहिए। बोलो क्या चाहिए? जो चाहिए वो 1.5 तो स्टार्ट है, पर 4.5 तक होने चाहिए। 4.5 तक इनके 70,000 ही जाएंगे। अब हालेलुया। इस भाई का नाम जसवंत सिंह है और जे जहांगीर के रहने वाले और इनके साथ इनकी बेटी है। और इस भाई की गवाही जे जे बता रहे कि 4 महीने हो गए थे इन पर काफ़ी ज़्यादा हालात आ गया था अप्रैल महीने से, और जे बता रहे कि उस समय इनकी टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा आ गया था जिसके कारण जे चल नहीं सकते थे। और जे बता रहे कि इतनी ज़्यादा इनके टांगों में दर्द रहती थी, ना तो जे बेड से नीचे उतर पाते थे और चलने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। और जब बता रहे कि जैसे जे लगातार पहले मेडिसिन ले रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, पर जैसे इन्होंने टेस्ट कराए तो जे बता रहे कि डॉक्टर इन्हें बताया क्या, इन्हें टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम है। और इनकी बॉडी के जो सेल है, जो कि डॉक्टर ने बताया कि हमारी बॉडी में जो सेल है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होने चाहिए, पर इनके जो सेल थे वो 70,000 रह गए थे और बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और जिसके कारण इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो जो बता रहे कि जिसके कारण फिर इन्हें जो कुछ भी खा नहीं रहे थे, और डॉक्टर ने बताया था कि सिर्फ इन्हें अगर जो कुछ नहीं बच रहा, इनका मन नहीं कर रहा, तो इन्हें आप फ्रूट दें, जूस दें या फिर नारियल का पानी जरूर दें, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। और जब बता रही कि खून की भी कमी हो गई थी, सिर्फ इनका जो ब्लड था 7 ग्राम ही रह गया था, जिसके कारण इनसे कोई भी काम नहीं होता था और जो चल नहीं सकते थे। और जब बता रही कि इस हालात के कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे, और जो बता रही कि इसी कारण जो बता रहे हैं कि 4 महीने से जो अदर चर्च भी जा रहे थे क्योंकि इनका एग्जाम पर आने के लिए मन नहीं करता था। और पहले जो अच्छे मन से आ रहे थे, प्रभु में आते थे, संगति सुनते थे, भवन में सेवा भी करते थे और बहुत अच्छे थे। और जो बता रहे हैं कि जैसे इनका मन अदर चर्च लग गया तो इनका मन नहीं करता था चर्च आने के लिए, जहाँ पर ना ही प्रार्थना करने के लिए, और कोई भी बात नहीं सुनते थे और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी। पर इनके बच्चे, इनकी फैमिली भी इन्हें उत्साहित करती थी कि आप हमारे साथ चलें। और जब बता रही कि इनका मन नहीं करता था, और जैसे फिर हालात इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत ही ज़्यादा था, मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जब बता रहे फिर इन्होंने जैसे एक दिन इनकी बेटी ने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की, तो खुदावन ने इनकी बेटी को टीच किया कि आप अपने फादर साहब को लेकर आए, उनकी मीटिंग कराए। और जैसे फिर इस भाई ने ऐसे इन्हें लेकर आए और पर्सनल, जैसे फिर परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया, फिर इनका मन फिर से परमेश्वर ने अच्छा किया और फिर इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब इन्होंने लास्ट 30 जुलाई की मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर के दास के द्वारा उन दिनों परफेक्टिक वर्ड परमेश्वर ने दिया था कि आगे की जो 2 लाइनें, जैसे जो लोग समय सिर परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, पहला आदर खुदा को देंगे, तो उन पर ले एंड प्रार्थना होगी। और जैसे फिर इन्होंने भी विश्वास से मीटिंग को अटेंड किया, 30 जुलाई की मीटिंग के दिन इन्होंने आगे की लाइनों में जाकर खड़े हुए विश्वास से, और जब बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा इन पर ले एंड प्रार्थना हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, और जितना भी नेगेटिविटी का प्रभाव था इनकी बॉडी में, जितनी भी प्रॉब्लम थी, टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम, खून की कमी, और जो सेल कम हो गए थे, सिर्फ 70,000 रह गए थे बॉडी में सेल। और जब बता रहे कि फिर लैंड होने के बाद फिर इन्होंने लगातार
परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग अटेंड की, पर्सनल मीटिंग में आते रहे, और जैसे फिर खुदा के दास ने लगातार इन्हें टीच करते रहे कि आप अपना मन ऐसे परमेश्वर के साथ बनाकर रखिए, और जो इनका मन प्रार्थना में नहीं लगता था फिर इनका मन लगना शुरू हो गया, और जो कि फिर जो लगातार भवन में आ रहे थे प्रार्थना भी करते थे, फिर इन्होंने वेडनेसडे की मीटिंग को भी अटेंड करना शुरू कर दिया, और प्लस जो बताते जैसे फिर इन्होंने वचन पर अपना मन लगाना शुरू किया, तो जितनी भी 4 महीने से जो प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने अपने सामने से इनको छुआ, और जो बता रहे कि फिर जितनी भी बॉडी में कमजोरी थी वो धीरे धीरे करते परमेश्वर ने पूरी तरह इन्हें फ्री कर दिया, और अब इतना मन इनका अच्छा हो गया कि जो लगातार चर्च में आ रहे प्रभु में आते हैं, वचन सुनते हैं और भवन में सेवा भी करते, प्लस जैसे कि शाम को प्रेयर होती है प्रार्थना के जोधा बने मीटिंग, जिस मीटिंग को भी रात के समय जहाँ पर आकर अटेंड कर रहे प्रार्थना कर रहे, और अभी इनकी प्रेयर भी बढ़ गई है, और अभी बॉडी में ना तो इनके कमजोरी, ना वीकनेस, ना टाइफाइड की प्रॉब्लम है, और सेल भी इनके अब बिल्कुल सही हो गए, क्योंकि अब जी अपने काम भी कर रहे हैं और संगति में भी आते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने आज अच्छा कर दिया है, और इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं, हम सब जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, सब चर्च किसके हैं? उस खुदा के। बोलो चर्च के हैं, सब परमेश्वर के हैं। पर जब किसी बात से मन खराब करते हैं, बोलो क्या करते हैं? जब किसी बात से मन खराब करते हैं, जैसे उन्होंने भी कर लिया और इन्होंने, बोलो क्या है ये, किसी कारण इनका मन यहां से खराब हो गया, समझ आ रही? तब मन लग गया उस चीज में, मन खराब हो गया ना, तो मन खराब का विषय तुम समझ सकती हो क्या होता है जब किसी का मन खराब होता है। तो खराब मन लेकर हम कहीं पर भी जाएंगे, क्योंकि काम खुदा नहीं कर रहा तो होगा नहीं, फिर मौका किसको मिलता है? शैतान को, जिसके कारण इनके जीवन में इतनी समस्या आ गई। सेल कितने रह गए थे? 70,000। चाहिए कितनी है? बॉडी में डॉक्टर ने बोला था कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होने चाहिए। 1.5 से 4.5 चाहिए। बोलो क्या चाहिए? जो चाहिए वो 1.5 तो स्टार्ट है, पर 4.5 तक होने चाहिए, 4.5 लाख तक। इनके 70,000 ही रहेंगे। अब नहीं है तो फिर बॉडी में वीकनेस आएगी। ये कितना चिर बेड में रहे? अब इन बेटी को फोन इनको दो। पापा जी 2 महीने तक। हाँ, 2 महीने तक। 2 महीने तक ये बेड पर ही रहे, कोई मतलब शरीर में जान नहीं रही? नहीं पापा जी, रोटी भी छोड़ देती थी इन्होंने। रोटी भी छोड़ देती थी। देख लो, मन खराब करने का विषय, रोटी भी छूट गई और 2 महीने बेड पर ही रहे, कोई चला फिरा नहीं जाता, कोई काम धंधा कुछ नहीं, और इसी के कारण जब खाया नहीं कुछ भी, रोटी भी छूट गई तो खून की कमी आ गई, समझ आ रही है? इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, कुछ भी कोई भी काम अपनी बुद्धि से मत करना, किसी भी चीज के लिए मन खराब मत करना, समझ आ रही है? क्योंकि शैतान कई बार अपनी युक्तियों में फंसाता है, समझ आ रही है ना? पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने मेरी अगुवाई की। जब ये आ नहीं रहे तो मैंने इनके परिवार को कहा कि उनको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहता हूँ? मैं मिलना चाहता हूँ। फिर इन्होंने कोई विषय था जिसके बारे मुझे बताया कि मैं, मेरा मन इस कारण मेरा खराब हो गया। तो मैंने कहा जिस तरीके से आप समझ रहे हो ये बात तो उस तरीके है ही नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। तो मैंने फिर इनके मन को अच्छा किया। क्या किया बोलो? इनके मन को अच्छा किया। अच्छा, और जब मैंने मन को अच्छा किया कि नहीं, इसीलिए तुम ये हालात आपके ऊपर आ गए। जब मन को अच्छा किया, अब आपके सामने है। आज कितने दिन हो गए जो बिल्कुल ठीक है? पापा जी 4 महीने हो गए बिल्कुल। आ 4 महीने हो गए ये हालात? हाँ, 2 महीने, जुलाई में इनके लिए ले एंड हुई थी। जुलाई में है ना? तो
चार महीने से हालात बना मतलब चार महीने पूरे हो गए, चार महीने से हालात बना था, तो दो महीने पहले ले हैंड हुई, अब दो महीने हो गए, अब कोई समस्या नहीं, सेल्स भी पूरे हैं, खून की भी वो कमी पूरी हो गई है, चलते फिरते हो, खाते पीते हो भाई जी, क्यों जी? उनको माइक दे दो। हाँ खाते पीते हो वधिया रोटी, चलते फिरते ही कम कार करते हो, क्योंकि मैंने देखा इनको कई बार यहाँ पे अब सेवा करते हैं, जब मीटिंग समाप्त हो जाए तब भी सेवा करेंगे, सैटरडे को भी आएंगे, जब प्रोग्राम हुआ उसमें भी ये दो तीन दिन सेवा कराते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अभी फिर से वो बल वापस दे दिया बॉडी में। हाँ और अब बिल्कुल वो टाइफाइड भी चला गया ना, हाँ टाइफाइड भी नॉर्मल है, अब बुखार भी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं, कोई सेल्स की कमी नहीं, कोई खून की कमी नहीं है, परमेश्वर ने बिल्कुल पूरी तरह क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, और विश्वास करो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है, कोई खून की कमी है, बॉडी में कमी है, सेल्स की कमी है, जो यहाँ पे जो ऑनलाइन भी है, तो रिसीव करो और मन को अच्छा करो, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो मन का है, इसलिए हमारा मन बड़ा साफ होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जब मन खराब था तो शैतान आ गया, जब मन सही हुआ तो परमेश्वर आ गया, ऐसा ही हुआ ना, जब मन खराब हो गया तो शैतान ने एंट्री मारी, जब मन साफ किया, जो यीशु मसीह ने कहा था कि जिन धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर को देखना, उसके कामों को देखना, उसकी भलाइयों को देखना, जो आज हम देख रहे हैं इनके जीवन में। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। मरियानो जेड़ा उठोंदाई कबरा चो बार बुलोंदाई, मरियानो जेड़ा उठोंदाई कबरा चो बार बुलोंदाई, ओ अज भी जिंदाए, ओ अज भी जिंदाए, ओ अज भी जिंदाए, ओ अज भी जिंदाए, बादड़ी दा परमेश्वर अज भी जिंदा है, सब हाथों को उठाकर अज भी जिंदा।